साधु जी, ओ साधु जी, पुरुषों में से ही दाहिने हाथ में, मध्य में भावेश नाम का एक बालक बैठा हुआ है। आइए थोड़ा जल्दी आ जाइए। नंबर दो, राम साधु जी आगे गुरु जी और आज्ञा दो, थोड़ा जल्दी जल्दी कृपा कर दो, बहुत लोगों की अर्जी लग जाए। माताओं में यही मध्य आगे से ही प्रीति नाम की माता जी, सूट पहने हुए सिंदूरी कलर का बैठी हुई है, आ जाइएगा। हाँ आप प्रीति हो? हाँ हाँ आ जाओ आओ आओ डियर सिस्टर, यू कम हियर, जल्दी आओ। हाँ ये जो बीच वाली खड़ी हो गई वही है, हाँ 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 जल्दी आ जाइए, आइए आइए दौड़ते आओ बहन, आगे और आज्ञा करो गुरु जी। हेलो अति वीआईपी में ये जो बड़े बड़े बालों वाले हैं, उठ जाओ आ जाओ, जय सिया राम। और यहीं से और थोड़ा जल्दी आज्ञा करो। पीछे में सबसे लास्ट में धर्मेंद्र नाम का एक बालक बैठा है, जोशी जी के साथ आया है, अपने मित्र से कहकर आया है कि हमारी अर्जी जरूर लगेगी, और मित्र ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, आ जाओ धर्मेंद्र, ऐसा हो गया है हमारे वाईफाई में तुम्हारे सिग्नल आ गए हैं। राम साधु जी, ओ साधु जी, यहां आगे में लेफ्ट में सफेद टोपी पहने जो भाई साहब बैठे हैं, हाँ हाँ इन्हीं को उठा दीजिएगा, आइए जो तौलिया डाले सफेद टोपी, आइए 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 तौलिया डाले जो सफेद टोपी वाले आ रहे, थोड़ा जल्दी आओ भाई साहब और आज्ञा करो। साधु जी, ओ साधु जी, अरे साधु जी, जो रेलिंग के पीछे खड़े हुए श्रद्धालु हैं और कुर्सियों पे वीवीआईपी सोफा पर बने बैठे हैं, तुम लोगों पे भी नजर पड़ गई है गुरु जी की, यहीं रुक जाओ इकट्ठे आ जाए, हम एक और बुला ले नहीं तो हमारा कनेक्शन कट जाएगा। हाँ ठीक है। राम राम साधु जी, साधु जी, साधु जी, विजय नाम की अर्जी वीआईपी लॉबी से प्रारंभ हुई है, स्वीकार हुई है, आ जाइएगा। जो रेलिंग है, रेलिंग के पीछे में खड़े हैं, हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, विजय जी आप आ जाओ भाई, आपकी अर्जी स्वीकार है, पीले कपड़ा पहने हो, चलिए शुरू करो, भेजा जाए। हाँ बैठिए, क्या नाम है? जय 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 जय, बस बस बस, क्या नाम है? अच्छा भावेश। तुमने यहाँ किसी को बताया था क्या? ना ना किसी को नहीं बताया। कहाँ से आए हो? सूरत से, उत्तरायण से। उत्तरायण, हमें कैसे पता चला? मैं अंदर ही सोच रहा था बाबा जी का मुझे पुकार हो, वही तरह से अंदर से मैं मान गया। अच्छा सही में तुम मानते हो कोई ऐसे बता सकता या बुला सकता? नहीं नहीं सही में मान गया आपको, हनुमान जी को, हमें हनुमान जी का तो मैं पूरा भक्त हूँ, बस उनको ही, बापा सीताराम, बापा सीताराम, बापा सीताराम, बोले बागेश्वर बालाजी की, बापा सीताराम, बोले पवन सुत्र हनुमान की। तुम्हारी तो बड़ी हैरानियां, चलो हमें जो आज्ञा लगी हमने लिख लिया, आप प्रश्न करो। बागेश्वर ज्वाला जी के मेरे माता जी को वही तरह से मैं इसके साथ रहता हूँ, वही तरह से सुखी जीवन, इनको चारों धाम की यात्रा और आपका दर्शन करवाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न, और पूछो।
और तो मैं जिस तरह से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ जुडिशियल जज की। आपके पिताजी का नाम क्या है? हम कैसे माने कि आप ही भावेश हैं? बात ये फंस गई थी तो हमने गुरुजी से पूछा, कुछ ऐसा लिखवाओ कि क्लियर हो जाए यही भावेश हैं। अभी मैं वहां से आ रहा था तब मुझे जो कहा कि छोटा बच्चे को बुलाया, मैं भी वही तरह से बोला छोटा बच्चा तो हूँ, वही तरह से कोई माला पहनी है तो मैंने बोला माला भी पहनी है, वही तरह से। मेरे पिताजी का नाम कन्नू भाई। कन्नू? कन्नू भाई। कन्नू भाई, अच्छा आ गया हमारे पर्चे में। कार्य कृपा हो, जज में उन्नति होगी, चिंता ना करें, माँ पर कृपा होगी, दर्शन करवाएंगे, आपके पिता कन्नू भाई जी हैं। बलभागे ईश्वर बालाजी की, पवन सुत हनुमान की। हम एक उपाय देते हैं, तैयारी तेज करो, 100% कृपा होगी। अब मुझे एक पर्चा वही तरह से आप पहनो, आप आज आशीर्वाद से। बिल्कुल। अच्छा, माँ के पैरों में पीड़ा बनी रहती है? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, उनको घुटनों में सूजन भी आ जाती है? जी जी। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि आपने पूर्व में एक उपाय भी करवाया है। अच्छा, अखंड कीर्तन रह गई तुम्हारी? हाँ। तो मैं अखंड कीर्तन करवाना, तो वो उधार डली है, ऊपर से आज्ञा आ रही है कि वो करवा देता हूँ, करवा देता हूँ बागेश्वर बालाजी की। मुझे एक पर्चा एक पहना दो आपके हाथ से, एक पर्चा पहना। अच्छा ठीक है, ले आओ भाई, पटकी लाओ, भजन करो, और बहुत ज्यादा भजन करना, अब वो अखंड कीर्तन आप करवा ही देना प्रभु जी। हैं, लो लो लो, बहुत आशीर्वाद।